हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ नान खटाई। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई है और ये बेसन की बनती है। और देखिए कितनी कुरकुरी है एकदम, ये देखिए। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैंने लिया है आधा ग्लास घी, आधा ग्लास से भी थोड़ा सा कम है। मैंने आज की नान खटाई का मेज़रमेंट ग्लास से लिया है। इसमें डाला है मैं आधा ग्लास घी और इसमें ली है आधा ग्लास पिसी हुई चीनी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। और ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई है नान खटाई, जो कि बहुत ही फेमस है। अब हम इसमें लेंगे एक ग्लास बेसन और आधा ग्लास से थोड़ा सा कम मैदा और थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें हम डाल देंगे। और इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा चुटकी भर नमक। और अब हम इसको खूब अच्छे से फेटेंगे। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे और एक डो इसका तैयार करेंगे। इसको खूब अच्छे से हमें मिक्स करना है और एक इसका डो तैयार करना है। अब इसको देखो, हम ऐसे अच्छे से मैश करेंगे। अभी ये डो नहीं बन पाया है इसका, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध ऐड करके इसका डो तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक डो खूब अच्छा तैयार हो गया है। लेकिन मैं इसमें एक स्टेप भूल गई थी, ये खाने का सोडा। इसमें हमें थोड़ा सा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये भी ऐड करना है। और इसको इसको हम पहले ही ऐड कर लेंगे और तब इसका डो तैयार करेंगे। ये देखिए एक डो तैयार हो गया है। अब इसकी नान खटाई बनाने से पहले हम अपनी गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। और इसको मीडियम आँच पर ही हमें गर्म होने के लिए रखना है। मैंने ये एक स्टैंड इसमें रख दिया है और इसको ढक देंगे। फिर हम अपनी नान खटाई तैयार करेंगे। ये मैंने एक प्लेट ली है और इस पर मैंने ये बटर पेपर लगाया। आज मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लूँगी। हमें बटर पेपर लगाना है इसके अंदर और इसी के ऊपर हम घी लगा के इसका बटर पेपर तैयार कर लेंगे। और अब हम अपना ये डो लेंगे थोड़ा सा और इसके गोल गोल पेड़े तैयार करेंगे। ये देखिए एक और इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ये कटे हुए बादाम लगा दूंगी। आप चाहें तो इस पर खरबूजे की गिरी या तरबूज की गिरी वो भी लगा देते हैं, लेकिन आज मैं इसमें थोड़ा बादाम लगा रही हूँ। और कटे हुए बादाम लगाकर हम इसको सिकने के लिए रख देंगे। कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। ये देखिए कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है और अब हम इसमें इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। इसकी आंच मीडियम ही रखनी है और 25 मिनट तक हमें इसे बेक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 25 मिनट हो चुके हैं और आइए देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है। गैस हम ऑफ कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी करारी नान खटाई तैयार है।